राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधिका वीर मोम एंड बालियान फैमिली। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं अपने मोहन को उठा रही हूँ क्योंकि मैं अब नहा के आ चुकी हूँ और सर्दियों में अपने मोहन को थोड़ा लेट ही उठाती हूँ। ये देखिए, मैंने अपने मोहन को उठा के बैठा दिया है और हल्का सा शॉल उड़ा रखा है क्योंकि ठंड होने लगी है। और अब अपने मोहन को नहलाने की तैयारी करूँगी, पूजा की तैयारी करती हूँ। ये अपने मोहन को मैंने हल्का गुनगुना सा पानी दे दिया है पीने के लिए। देखिए कितना कोहरा हो रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है। सामने पड़ोस है, उनका घर भी नहीं अच्छे से चमक रहा है, कितना कोहरा है देखिए। राधिका नहा चुकी है और आज राधिका कर दी है पूजा, पहले मोहन को नहलाएगी। कह रही है कि मैं करती हूँ, मैं नहलाऊंगी आज मोहन को। कौन से कपड़े दिखा मुझे, ये वाले, यही वाला? नहीं ये नहीं, अब ठंड हो रही ना, ये वाला अंदर तो ये पहनाइए, ठीक है? अंदर ये दोनों, अंदर तो ये पहनाना। और ये जब तक राधिका पूजा करती है, मोहन को नहलाती है, इतने में बच्चों का नाश्ता बना दूँ और ले जाने के लिए लंच। आज मैं इन्हें लंच में दूंगी नमकीन जभी, तो फिर उसके लिए मैं प्याज काट लेती हूँ और टमाटर कट कर लेती हूँ। उन्हें 7 भी बज गए हैं, 7:30 बजे तक गाड़ी आ जाएगी उनकी। अभी रवि उठा है ये नहीं, अभी ड्रेस व्रेस कुछ नहीं हुआ है देखिए। और अभी ये अभी उठा, लग गया सुबह सुबह पानी में। वीर नहा के आ चुका है और उसको मैं तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले इसके फेस पे मैंने क्रीम लगाई, मॉइस्चराइजर, और उसके बाद कॉम कर रही हूँ उसके तेल डाल के बालों में। राधिका तो पहले नहा चुकी थी, आ जल्दी। अब राधिका के कर रही हूँ मैं कॉम। देखो राधिका वीर को तैयार होकर कैसे लेटती। राधिका वीर बेटे, चलो शूज बनाऊंगी, आ जल्दी आओ, बाहर आओ, लंच बनने लग रहा है तुम्हारा, चलो। ये कर दिया मैंने राधिका वीर के लंच पैक, और वीर वहाँ पे नाश्ता कर रहा है, राधिका भी कर दी थी उसके पास। इनके आज बनाए नमकीन जमे। अब मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ नीचे तक बैग लेके। अब बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अब मैं करूँगी पूजा। मोहन को राधिका ने स्नान तो करा ही दिया था, लेकिन बस दिया है तो मम्मी ने जला दिया। मम्मी कभी याद करते हैं, मम्मी ने पूजा कर दी, बस मैं जा रही हूँ अब पूजा करती हूँ। तो जी नाश्ते पानी का काम हो गया है हमारा फिनिश और अब बज रहे हैं 10। मुझे झाड़ू पोछा करना है, रसोई तो मैंने साफ कर दी है, बस झाड़ू पोछे का काम रह गया है अंदर। झाड़ू एक बार सुबह लग जाती है, लेकिन फिर गंदा हो जाता है, दोबारा पोछा लगाने से पहले झाड़ू लगानी पड़ती है एक बार। और उसके बाद मैं फिर बनाऊंगी आज दोपहर के खाने में राजमा चावल। राजमा मैंने भिगो दिए हैं क्योंकि बारीक राजमा है तो उसको रात भर भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मैंने सुबह ही भिगो लिए थे। ये बल्कि ये तो काफ़ी अच्छे फूल भी गए हैं, गर्म पानी में भिगोए थे। तो बस अब पोछा लगाने के बाद तब उबालने के लिए रखूंगी राजमा को, फिर उसके बाद राजमा चावल बनाऊंगी दोपहर के खाने में आज। राजमा उबाल दिया है मैंने, राजमा तो मैंने गैस पे उबाल दिया था, और बनाऊंगी अंगीठी पे राजमा, मतलब जो छोंकूंगी अंगीठी में, और उसके बाद चावल भी गैस पे बना लूंगी कुकर में। चावल भिगो दिए हैं, ये रहे चावल, चावल भिगो दिए हैं, और ये मैंने प्याज भी काट ली है, बारीक काटी है बिल्कुल राजमा बनाने के लिए, क्योंकि मैं ना राजमा जो बनाती हूँ उसके लिए मैं प्याज पीसती नहीं मिक्सी में, बारीक काट के तब बनाती हूँ, मुझे तभी अच्छा लगता है राजमा, तो बनाती हूँ राजमा।
ये अंगीठी पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें तेल डाल दिया है, और इसमें मैंने जीरा, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और तेज पत्ता डाल के तड़का लगा दिया है। ये अच्छे से जब भुन जाएंगे तो इसमें फिर मैं बारीक कटी हुई प्याज डाल दूंगी। ये मैंने प्याज भी डाल दिया है, इसमें मैंने प्याज, अदरक और लहसुन, ये तीनों ही बारीक कटे हुए हैं, बल्कि अदरक और लहसुन तो मैंने कद्दूकस कर लिया था, प्याज बारीक काट ली थी। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं प्याज। अब मैं इसमें टमाटर कसे हुए टमाटर डाल दूंगी, ये भी मैंने कद्दूकस कर लिए थे टमाटर। इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी, हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला और जो छोले मसाले होते हैं थोड़ा सा वो भी डाला था टेस्ट के लिए। अब मैंने इसमें राजमा डाल दिया है। अब इसमें अच्छे से उबाल आने तक इसको भी अंगीठी पे रखें कढ़ाई को, जब तक कि उबाल अच्छे से ना आ जाए। तो देखिए हमारा राजमा बनकर तैयार हो गया है, अच्छे से उबाल भी आ गया है और थोड़ा गाढ़ापन भी आ गया है राजमा में। अब मैं इसको अंगीठी से उतार लूँगी कढ़ाई को, और कढ़ाई को खाली कर दूँगी, भिगोने में कर लूँगी राजमा। तो ये मैंने भिगोने में पलट दी है कढ़ाई। तो देखिए हमारा राजमा बन गया है। और राजमा तो बन गए हैं, और चावल अब बनाऊंगी कुकर में, गैस पे बनाऊंगी, और अपने मोहन के लिए राजमा अलग से बनाऊंगी बिना प्याज का, क्योंकि मोहन को प्याज का तो नहीं था खाना, और जो हमने जो अपने लिए राजमा बनाया है उसमें लहसुन प्याज पड़ी है, तो अपने मोहन के लिए मैं बिना प्याज का बनाऊंगी राजमा और फिर खाना देती हूँ मोहन को। चावल रख दिया है बनने के लिए, चावल बनने लग रहे हैं। और आज तो बच्चों का पीटीएम था, मुझे भी जाना था पीटीएम में, लेकिन मेरा जाना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई ले जाने वाला ही नहीं था। बच्चों के पापा ड्यूटी पे जा चुके थे, उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी थी, वे यहीं लेट हो गए थे क्योंकि पहले खेत में गए थे, फिर आने में लेट हो गए थोड़ा, तो उन्हें जल्दी थी, जल्दी चले गए ड्यूटी पे जल्दी जल्दी में, और फिर मेरा जाना ही नहीं हुआ कि बच्चों के जो चाचू हैं नहीं थे उन्हें कहा, तो फिर वे गई पीटीएम में बच्चों की। तो वीर तो बल्कि कह रहा था कि मम्मी अगर आप आओगे तो मुझसे मेरे क्लास रूम में मिलने आना जब पीटीएम में आओगे, और वो इंतज़ार भी कर रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, उनके चाचू को तो कहा था कि मिल के आ जाए उनसे क्लास रूम में बच्चों से, खुशी होती है बच्चों को जो घर से कोई जाता है स्कूल में उनसे मिलने मिलता है। ये मैंने अपने मोहन के लिए भोजन की थाली लगा दी है, मीठे में चावल रखे हैं बूरे के साथ, राजमा चावल, छाछ और जल। अब मैं अपने मोहन को भोग लगाऊंगी, तुलसी दल भी डाल दिया है मैंने। भोजन के बाद मैंने अपने मोहन को देखिए आराम करा दिया है। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, उनका बैग ले आती हूँ नीचे जाके। जीते रहो, आ गए। चलो बच्चे, चलो 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 मीन देख, चल बेटा जल्दी कर, दो बैग ले ली मैं, वजन हो रहा, तुम कैसे लेके चल दो इतना भारी बैग, वी सॉक्स भी वहीं पे निकाल दो बेटे। क्यों, क्या बात, अच्छा नहीं लगा आज लंच? अब जो फ्रूटी की फ्रूटी भी नहीं थी सारी, बैग क्यों टांगी वापस? क्या बनाया है? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल कि तुम्हारा, तुम कढ़ी चावल सोच रहे थे क्या? कढ़ी चावल बनने चाहिए, कुछ और भी तो हो सकेगा, जल्दी बताओ, गेस करो क्या बनाया। राइट, राधिका ने सही पहचाना राजमा चावल। कैसे पता चला राधिका तुझे? आइडिया लगा लिया, जब कढ़ी चावल नहीं होंगे
छोले चावल कहाँ से बने होंगे फिर, जब कढ़ी चावल नहीं होंगे तो? राजमा चावल, राजमा चावल बहुत पसंद है राधिका को भी और वीर को भी, तो इन्हें लगा कि कभी कढ़ी चावल बने हो तो फिर राजमा चावल बताया मैंने। राधिका ने सही गैस किया, राजमा चावल। कैसे बनने बच्चे राजमा चावल? अच्छे ये देखिए दोनों ने खाना खा लिया, कैसे लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अब इन्होंने खाना खाते खाते पहले तो फोन में एक एपिसोड देखा अपने कार्टून का, और उसके बाद अब ये थोड़ी देर, मैंने कहा पढ़ लो तो कह रहे मम्मी थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं, फिर पढ़ेंगे। शाम के बज गए हैं 4 और मैंने अपने मोहन को भी उठा दिया है, और ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब मैं बच्चों के लिए ले जाती हूँ दूध, आज खाना खा के थोड़ा सो गई थी मैं 1 घंटे के लिए, क्योंकि चावल खाती हूँ मुझे नींद बहुत नींद आती है जरूर, तो आज राजमा चावल खा के एकदम नींद आ गई तो मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। तो जी खाना खा चुके हैं रात का हम, और खाना बनाया था चूल्हे पे, अब रात का जो रात की जो रोटी है वो हम चूल्हे पे बनाते हैं, मतलब सब्जी तो गैस पे बना देते हैं और रोटी चूल्हे पे बनाते हैं, क्योंकि पहले तो दूध कर लेते हैं चूल्हे पे फिर उसके बाद फिर रोटी बना लेते हैं, क्योंकि अब तो ठंडा आने लगी है तो इतनी गर्मी नहीं लगती चूल्हे पे खाना बनाने में, तो इसलिए चूल्हे पे बना लेते हैं। आज तो मतलब हवा चलने की वजह से ना आंखों में धुआं घुस घुस जा रहा था, तेरा पानी बह रहा था कंटिन्यू रोटी बनाते हुए, जिसमें कि मतलब अंजलि रोटी बना रही थी और मैं सेक रही थी चूल्हे पे, ऐसे नहीं कि मैं अकेली रोटी बना रही थी, और आंखें बिल्कुल फूट गई जो धुएं में काम करके, मतलब धुआं की तरह था नहीं लेकिन हवा हवा की वजह से सब जो भी जरा वाला धुआं था सब मेरे मुंह पे आ रहा था, परेशान हो गई सच्ची, और अभी पानी चल रहा आंखों में, जलन हो रही बहुत धुएं की वजह से। तो बस बर्तन तो सारे साफ कर ही दिए अंजलि ने, बस अब मैं बच्चों के लिए दूध करती हूँ, क्योंकि फिर मैं दूध दे के सुला के, बल्कि अब तो सोने के नहीं, मैं उन्हें दूध दूंगी और उसके बाद कवर चढ़ाऊंगी अपने इन बच्चों की नोटबुक पे, मतलब कवर तो पहले चढ़ा दिया था मैंने, इनके स्कूल से मिली ना कलरफुल पेपर मिले हैं कि वे कलरफुल पेपर चढ़ाने हैं, राधिका के तो पहले चढ़ा दिए थे स्कूल में, तो वीर के रह गए थे, वीर के आज दिए मैम ने, तो अब चढ़ाऊंगी वीर के नोटबुक पे कवर, पहले तो दूध कर लो बच्चों का उसके बाद। कर दिया है दूध मैंने, और सबसे पहले अपने मोहन को देती हूँ दूध, ये रहा मेरा मोहन, मोहन दूध पी लो। तो मेरा मोहन दूध पी रहा है, तो मैं बाहर चली जाती हूँ। अब बच्चों को दूध दे दिया है, और अब वीर की को नोटबुक्स पे इन पर कवर तो चढ़ा रखे हैं पहले मैंने, और पर ये स्कूल वालों ने कहा कि इस तरह के कलरफुल पेपर फिर से वापस चढ़ाने कवर इस तरह से, तो अब चढ़ाऊंगी इन पर, और कॉपी मुझे पहले चढ़ा दी थी ये आज मिली वीर को बाकी के, तो ये अब चढ़ाऊंगी इनको उसकी कॉपी का। तो वीर की नोटबुक पे मैं कवर चढ़ा रही हूँ, इन्हें स्टेपलर कर दिया है ताकि ये उतरे ना। तो जी देते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे विराम, और कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और बाय राधे राधे, राधे राधे।